हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो फिर मैं नई वीडियो लेके आ गया हूँ। नई वीडियो में क्या है, ज़्यादा तो कुछ नहीं है यार, खाली बैठा हुआ था घर पे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा जो मेरी कार है जिसमें मैं जिसको मैं घूम के लेके घूमता रहता हूँ, इससे वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आज उसका रिव्यू दे दूँ। तो मेरे पास ऑल्टो 800 जो आपको पीछे खड़ी दिख रही होगी, तो आज मैं उसका आपको रिव्यू दूंगा। ऑल्टो 800 2015 मॉडल, वाइट कलर, पेट्रोल प्लस सीएनजी है, आप देख सकते हैं वेल कंडीशन है। यार ये थोड़ी बहुत लग गई थी गाड़ी, तो मैं सोचा पूरी पेंट इकट्ठे करवाऊँ, इसे रुका हुआ। और तो अलॉय व्हील नहीं लगवाए हैं, वही है स्टॉक रिम्स हैं, लाइट वही है, बट एलईडी लगवा रखी है मैंने नाइट के लिए। थोड़ा इसकी लाइट्स कम है, जब अगर हम नॉर्मल लाइट लगाते हैं तो इसकी लाइटें कम है, तो इस लाइट का फोकस बढ़ाने के लिए मैंने एलईडी लगवा रखी है। और तो कुछ नहीं, और तो वही है सिंपल, जैसी कंपनी से गाड़ी आती है। नॉर्मल डोर आते हैं इसमें ये वाले, और ये डोर हैं स्टॉक कंडीशन में है जैसे पहले था। ये कार का नॉर्मल डैशबोर्ड है जो आप देख सकते हैं, जैसे ऑल्टो में आता है। ये पुरानी वाली ऑल्टो से तो बहुत बेटर है। और ये मैंने बैक सेंसर लगा रखा है, कि बैक कैमरा तो नहीं लगवाया मैंने, इसमें बैक सेंसर लगवा रखा है, और इसमें JBL के स्पीकर लगवा रखे हैं मैंने, और ये मोबाइल होल्डर लगवा रखा है ना, जैसे हम बाहर जाते हैं तो उस टाइम के लिए GPS पे लगानी है। नॉर्मल बहुत यूज़ आता है, अपने वीडियो शूट कर ली उस चीज़ के लिए लगा रखा है। और इस कार में दो फ्रंट की पावर विंडो आती है, जिसके स्विच हैं यहाँ पे मिड में, क्योंकि साइड में नहीं आते ऑल्टो में, ऐसे है। और इसमें बैक में नॉर्मल जैसा होता है हैंडल, विंडो अप डाउन करने के लिए वो होता है। और इसकी रूफ़ नॉर्मल है ग्रेज कलर में, रूफ में कोई इतना बढ़िया नहीं है। तो मैं आपको इसमें AC चेक करवा देता हूँ, इसका CNG है ये। गाड़ी स्टार्ट हो गई है, अब AC ऑन करते हैं, AC चेक करवाते हैं। AC की कूलिंग बढ़िया है, पुरानी वाली ऑल्टो से तो बहुत बेटर है इसकी AC की कूलिंग। ये है हाइब्रिड कारों से तो कम है, बट AC से कहते हैं नॉर्मल मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छी कार है ये। JBL की बेस ट्यूब है, ये लगवा रखी है थोड़ा बेस के लिए। तो अब इसको एक बार बेस सुनाता हूँ मैं आपको, अब आपको NCS का सॉन्ग सुनाता हूँ, वैसे चलते कॉपीराइट आ जाएगा। NCS है, स्टार्ट करते हैं, बेस चेक करो। इस कार में मैंने ज़्यादा मोड तो कुछ नहीं करवाया है, सोच रहा हूँ मोड कराने की। बस इसमें एक दो चीज़ें लगवा रखी है मैंने, एक माउंट लगवा रखा है होल्डर, मोबाइल होल्डर, दो JBL के स्पीकर, पीछे बेस ट्यूब लगवा रखी है 1250 और JBL की बेस ट्यूब है, और ज़्यादा माउंट नहीं करवाया है। गाइस चलो अब चेक करते हैं गाड़ी की पावर, गाड़ी 0 to 60 कितनी देर में उठेगी, क्योंकि 100 तो हम कह नहीं सकते, ये 3 सिलेंडर इंजन गाड़ी है, तो इसको 60 पे उठाएंगे, वही हमारे लिए यूजुअल है। दिखाते हैं 0 to 60 कितनी देर में उठती है, चलो चेक करते हैं। गाड़ी स्टार्ट है, फर्स्ट गियर में डाल दिया है, चलो चेक करते हैं। गाइस ये था CNG का पावर, अब इसमें हम आपको दिखाएंगे पेट्रोल, चलो पेट्रोल के दिखाते हैं आपको। अब इसको स्विच करेंगे, अब स्विच करेंगे CNG टू पेट्रोल में, अभी आगे पेट्रोल में, चलो अब करते हैं ट्राई 0 to 60 कितनी देर लगता है। पहुंची। ये आप देख सकते हैं CNG में तो पहुंची थी 13 सेकंड में, और पेट्रोल ने पहुंची 8 to 9 सेकंड में। तो पेट्रोल की पावर है, CNG की CNG में लग के थोड़ी गाड़ी दब जाती है,
कोई सी भी गाड़ी ले लो आप, हर कोई गाड़ी सीएनजी में दबती है, कोई सी भी ट्राई कर लो, चाहे बड़ी गाड़ी हो चाहे छोटी गाड़ी हो, ये तो अल्टो है वैसे भी। अब बात आती है इसकी एक नेगेटिव थिंग, नेगेटिव थिंग इसकी क्या है, नेगेटिव एक ही चीज़ है। अब आपको दिखाता हूँ मैं एसी ऑन करके, जैसे ही मैंने एसी ऑन किया इसमें खर खर सी आवाज़ आने लग जाती है, पर जब क्लच दबाऊंगा वह चले गई, क्लच छोड़ते ही खर खर कर आवाज़ स्टार्ट हो गई। यही है इसकी नेगेटिव थिंग और कुछ नहीं है। छोटे सेगमेंट में ये बहुत बढ़िया गाड़ी है, अगर दिल्ली टू दिल्ली चलना है आपको तो बहुत शानदार गाड़ी, क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक इतना है, ऊपर से आप 60 से ऊपर गाड़ी चला नहीं सकते, कहीं 40 है कहीं 60 है, यही चीज़ है। और ये गाड़ी चलती उतनी है, अब भगाना चाहो तो 100-120 जाती है, इतना इशू नहीं है कि 100-120 नहीं जाएगी, जाएगी 100-120। बट दिल्ली के हिसाब से बहुत बढ़िया गाड़ी है, जो सिंगल यूज़ है, सिंगल बंदा जाता है या दो बंदे जाते हैं बैठ के, अपना ऑफिस जाना है या कहीं घूमने जाना है वैसे जाना है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया गाड़ी है। गाइस तो आज के लिए बस इतना ही था, तो आपको मैंने अपनी गाड़ी का रिव्यू दे दिया है, तो सोच रहा हूँ नेक्स्ट व्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। कर आप कमेंट करके बताओ कि क्या नेक्स्ट व्लॉग में क्या होना चाहिए, क्या आप चैलेंजेस होने चाहिए, ड्रैग रेस होने चाहिए। आज मैंने एक चीज़ देखी है कि एक यूट्यूबर है फुकरा इंसान, तो उन्होंने एक चैलेंज किया है 500 रुपीज़ फुल डे, उन्होंने 24 आवर्स तो नहीं किया और 20 आवर्स बोला हुआ है कि 20 आवर्स चैलेंज किया है। बट अगर आप बोलोगे अगर आपको चैलेंज चाहिए तो मैं आपको वो चैलेंज करके दूंगा, और 500 नहीं मैं आपको 300 रुपीज़ में फुल डे करके दूंगा, और ऊपर से फुल दिल्ली घूमूंगा उन्हीं 300 रुपीज़ में, फुल दिल्ली घूमूंगा प्लस मैं खाऊंगा पीऊंगा फुल इंजॉय भी करेंगे। तो आपको चाहिए तो कमेंट करो, बताओ कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आपको।